नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं प्रकाश हूं आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ कल ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों पर दौरा करेंगे। आज और कल राष्ट्रीय नवनिर्माण सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक, राष्ट्रीय संरक्षक महोदय कर्नल देव लोहरमोर जी पूरी टीम के साथ ओलावृष्टि से प्रभावित दौसा, महुआ, हिंडौन, करौली, सरमतुरा, बसेड़ी, बाड़ी, सेपऊ जैसे कई क्षेत्रों में किसानों से संपर्क करेंगे एवं जिला प्रशासन से किसानों की फसल के नुकसान की तुरंत गिरदावरी कराकर शीघ्र अतिशीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। पूरा हमारे महासचिव योगी जी शर्मा द्वारा किया गया है। हमारे संरक्षक महोदय कर्नल साहब हमारे बीच हैं, हमारी पूरी टीम हमारे बीच में है। किसानों की समस्याओं को लेकर के हम लोग आज पहली बार राजस्थान में 5 जिलों के दौरे पर जा रहे हैं और ये जो किसानों की समस्या है निश्चित रूप से मान के चलिए कि खुले तौर के ऊपर चर्चा होगी बहुत जल्द सीएम साहब के साथ। 22 तारीख के बाद में समय दिया है उन्होंने और नहीं देंगे तो हम लोग समय ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और किसानों के साथ में ओलावृष्टि और उनके जमीन के उचित मुआवजे और कई सारी समस्याएं जो इस समय राजस्थान में चल रही है, तो पिछले समय से लेकर के अब तक जो भी कुछ हुआ है, घटना घटित हुई है, उन सब बातों को लेकर के आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग आधा राजस्थान नाप लेंगे, ये मेरा दावा है। और उन सारी किसानों की समस्याओं बताएं सर। आज से राष्ट्रीय नव निर्माण सेना का 5 जिलों का दौरा धरती पुत्रों के लिए आयोजित किया गया है। धरती पुत्रों की जो भी समस्याएं हैं वर्तमान में ओलावृष्टि से जो उनका नुकसान हुआ है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम वही मौके पर जाकर मुआयना करेगी, धरती पुत्रों से बाकायदा बात करेगी, सभी किसानों की समस्याएं उनके मौके पर जाके ली जाएगी, नुकसान का आकलन और जायजा करवाकर उसकी संपूर्ण रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को हम लोग पेश करेंगे और इसमें सभी लोगों का समर्थन हम लोग साथ लेके मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि हर किसान को उसके हक का पूरा पूरा पैसा, पूरा मुआवजा दिलवाया जाए। सरकार की अभी तक असफलता है कि ओलावृष्टि हुए इतने दिन हो गए किंतु सरकार ने आज तक ना तो गिरदावरी कराई ना कोई किसानों की सुध-बुध का ध्यान लिया। बेचारे की पूरी फुलेरा में तरुण भारत रक्तदान शिविर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर कल से होगा। फुलेरा में सेवा भारती समिति द्वारा आयोजित तहत रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर 15 मार्च रविवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक गड़गौरी बाजार स्थित रामद्वार में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर का पूज्य बाबा प्रकाश दास जी महाराज, प्रकाश जी, द्वारका जी, संगठन मंत्री सेवा भारती जयपुर प्रांत के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। जोधपुर के सेतरावा में ट्रेलर और बोलेरो के कैंपर के बीच भीषण भिड़ंत देखने को मिली। जोधपुर के सेतरावा में ट्रेलर और बोलेरो कैंपर की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल भी हुए जिन्हें अस्पताल भेजा गया। साथ ही आपको बता दें कि मृतक में 4 पुरुष और 6 महिलाएं सहित 1 बच्चा भी शामिल है। शेरगढ़ के सोइंतरा गांव के निकट मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ। क्रेन की सहायता से निकाले जा रहे हैं बोलेरो कैंपर में फंसे हुए शव। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।